बड़ी खबर आ रही देश के मौसम को लेकर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घना से बहुत घना कोहरा छाने की और उसके बाद सामान्य घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी और उसके बाद कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। तो वहीं IMD ने कहा है कि ताजा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 16 जनवरी से पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इससे 16 और 17 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तो वहीं 17 और 18 जनवरी को उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति रहेगी। 16 से 18 जनवरी तक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 17 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में छुटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना है। 15 जनवरी की रात से 17 जनवरी की सुबह के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में रात और सुबह में कुछ घंटों के लिए घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। खेती किसानी और मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक।